वेलकम टू सिबिल सेपियंस कनेक्टिंग वाइजली विथ लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 8 क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पढ़ने वाले हैं, जो कि है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो आप हम लोग डेली न्यूज़पेपर्स में या टेलीविजन पे सुनते हैं, देखते हैं कि वेदर चेंजेस के बारे में बात की जा रही होती है। वेदर क्या है? बेसिकली वेदर डे टू डे चेंजेस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में बताता है। तो ये डे टू डे चेंजेस इंक्लूड करते हैं जैसे चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, किसी दिन बहुत ही सनी होता है या किसी दिन बहुत क्लाउडी होता है, विंडी होता है, काम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपके नीड्स भी होते हैं। अगर जैसे बहुत गर्मी है या बहुत धूप है तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स या कोल्ड थिंग्स खाने पीने का मन करता है। अदरवाइज़ अगर बहुत ठंड है तो आप वुलन क्लोथ प्रेफर करते हो, विंडी है, चिली है, तो उसके अकॉर्डिंग आप गर्म गर्म खाना भी पसंद करते हो। तो बेसिकली ब्रॉडली सीजन्स को हम लोग इंडिया में डिवाइड करते हैं बेसिकली इन सारे डोमेन्स में। तो हमारा फर्स्ट है हमारा कोल्ड वेदर सीज़न। कोल्ड वेदर सीज़न जिसको हम लोग विंटर भी बोलते हैं, वो कब से कब तक लास्ट करता है? दिसंबर टू फरवरी लास्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा हॉट वेदर सीज़न। तो हॉट वेदर सीज़न को हम लोग समर्स भी बोलते हैं, और जो मार्च टू मई लास्ट करता है। नेक्स्ट वी हैव साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, जो कि रेनी सीज़न है, दैट लास्ट फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। एंड देन वी हैव द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, दैट इज़ ऑटम, दैट लास्ट फ्रॉम अक्टूबर एंड नवम्बर। तो दीज आर द बेसिक मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, तो हम लोग देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। चूँकि क्लाइमेट की जो वेरिएशन होती है इंडिया में, क्लाइमेटिक कंडीशन की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स की वजह से वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन आर कंट्री। तो इन सारे नेचुरल वेजिटेशंस को हम लोग 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट वी हैव ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज थॉर्नी बुशेस। नेक्स्ट वी हैव माउंटेन वेजिटेशन, एंड देन वी हैव मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स होते हैं जो हम लोग को सराउंड करते हैं, और ये डिफरेंट कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। ये डिफरेंट वेराइटीज़ के भी होते हैं, और ये सारे के सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के लिए इसलिए होते हैं क्योंकि आप देखोगे किसी सर्टेन एरिया में रेनफॉल ज़्यादा होती है, किसी सर्टेन एरिया में कम है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर कम रहती है, तो इसकी अकॉर्डिंग उसकी वेजिटेशन भी होती है। तो ये जो वेरिएशन होता है क्लाइमेटिक कंडीशन में, उसकी वजह से हमें डिफरेंस इन डाइवर्सिटी इन वेरिएशन नेचुरल वेजिटेशन वी ऑल्सो गेट इट। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल अबाउट ईच। नेक्स्ट वी विल सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है, और ये बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, सनलाइट ग्राउंड तक रीच नहीं कर पाती, इतने डेंस होते हैं ये कि ये बहुत सारी ट्रीज जो होते हैं दे शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, जिसकी वजह से वो एवरग्रीन अपीयर होते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसको हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो वो हमेशा ग्रीन अपीयर होते हैं। अगर इम्पॉर्टेंट ट्रीज़ जो इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो कुछ हो, महागोनी, इबोनी, रोजवुड, ये सारे ट्रीज़ इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, इनको ट्रॉपिकल ट्रीज़ हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट कहाँ कहाँ पे ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? तो इंडिया में अगर बात करो तो आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। देन वी गो टू नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेट्स में वहाँ पे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट वी हैव अ नैरो स्ट्रिप वेस्टर्न स्लोप पे भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक पार्ट है, देर हैज़ बीन अ नैरो स्ट्रिप। तो ये सारे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट वील बी टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट बहुत सारी लार्ज पार्ट्स ऑफ आर कंट्री यानी कि इंडिया में अगर बात करो तो बहुत सारे पार्ट्स में ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इनको हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये लेस डेंस होते हैं किससे? जो पहले हम लोगों ने देखा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से, ये थोड़े लेस डेंस होते हैं। ये शेड करते हैं अपनी लीव्स को एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर ओनली। तो इंपॉर्टेंट ट्रीज़ की अगर बात करें जो कि ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, वो है साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये सारे ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट में बिलोंग करते हैं। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में भी ये पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट, जिसको हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा
वी विल बी टॉकिंग अबाउट थॉर्नी बुशेस. फाउंड थॉर्नी बुशेस की अगर बात करें तो ये ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं, जो कि जहाँ पे लेस स्कैसिटी ऑफ वाटर रहती है. तो स्कैसिटी ऑफ वाटर रहती है इसलिए क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं इन सारे प्लांट्स के वो रिड्यूस हो जाते हैं, स्पाइंस के फॉर्म में हो जाते हैं, ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है, जो लॉस ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लांट्स, दैट इज ट्रांसपिरेशन, उनको रोका जा सके और ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो सके. तो कौन कौन से प्लांट्स जो थॉर्नी बुशेस में आते हैं, दे आर कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि डिफरेंट पार्ट्स इन स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स और गुजरात में पाए जाते हैं थॉर्नी बुशेस. तो नेक्स्ट आता है हमारा माउंटेन वेजिटेशन. तो ये क्या है माउंटेन वेजिटेशन की बात करें तो बहुत वाइड वैरायटीज़ ऑफ स्पीसीज़ होती है जो कि माउंटेन में भी पाई जाती है, क्योंकि उनकी हाइट वैरी करते हैं. जो लोअर स्लोप्स पे होते हैं, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर गिरता जाता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि एट अ हाइट बिटवीन 1500 मीटर्स टू 2500 मीटर्स के बीच में बहुत सारे कॉनिकल शेप्स में प्लांट्स पाए जाते हैं. तो ये सारे कौन कौन से ट्रीज होते हैं, जो कि इनको हम लोग कॉनिफेरस ट्रीज भी बोलते हैं बिकॉज दे आर इन कॉनिकल शेप. तो ये कॉनिफेरस ट्रीज जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे हो गया चिर, पाइन, डियोडर, ये सारे कॉनिकल ट्रीज हैं जो कि माउंटेन वेजिटेशन में बिटवीन अ रेंज ऑफ 1500 मीटर्स टू 2500 मीटर्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैनग्रोव फॉरेस्ट. तो मैनग्रोव फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये सर्वाइव कर सकते हैं सलाइन वाटर में. सलाइन वाटर खारा पानी जो होता है, मेनली ये सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पाए जाते हैं. सुंदरबंस बेसिकली एक सुंदरी ट्री जो स्पेशल स्पीसीज है उसके आफ्टर नेम्ड है, तो इसलिए हम लोग उसको सुंदरबंस बोलते हैं. ये सुंदरी जो है वेल नोन स्पीसीज है ट्री की, जो कि मैनग्रोव फॉरेस्ट में ही ज़्यादा पाई जाती है एंड आफ्टर विच द सुंदरबंस आर नेम्ड. सो वाई फॉरेस्ट आर नेसेसरी, इन हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा. तो फॉरेस्ट बहुत ही यूजफुल होते हैं हमारे लिए. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. लेकिन जैसे प्लांट्स है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, फिर वो और एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम रिलीज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स रिलीज़ करते हैं. जो सारे रूट्स होते हैं प्लांट्स के वो बाइंड करते हैं सॉइल को, उसकी वजह से सॉइल इरोजन रखता है. फॉरेस्ट बहुत सारे टिम्बर्स प्रोवाइड करते हैं, नेचुरल हैबिटेट होते हैं बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के. नेचुरल वेजिटेशन को अगर बहुत हद तक डिस्ट्रॉय किया जाता है रेकलेसली विदाउट एनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, सॉइल इरोजन हो सकता है और इवन रिसोर्सेज की डिग्रेडेशन हो सकती है. तो इसलिए हमें उन्हें यूजफुली, प्रॉपरली, सस्टेनेबली यूज़ करना चाहिए उन सारे रिसोर्सेज को, ताकि हम इम्पॉर्टेंटली यूज़ करें और वो बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हम कंजर्व कर सकें. बहुत सारे प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे वन महोत्सव प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ताकि हमारा अर्थ ग्रीन रहे. नेचुरल हैबिटेट हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट. वहाँ बहुत सारे स्पीसीज, थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज लाइक रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स ड्वेल करते हैं. नेशनल एनिमल की अगर बात करो तो टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, और जो कि गिर इन गुजरात इज द बेसिक होम टू द एशियाटिक लायंस. एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोज भी असम में पाए जाते हैं. एलिफेंट्स केरला, कर्नाटका में भी पाए जाते हैं. कैमल्स और वाइल्डेस्ट ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाया जाता है रान ऑफ कच्छ में. स्नो लियोपॉड्स, बेयर्स हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं. इंडियन बर्ड में भी इक्वली रिच है. नेशनल बर्ड की अगर आप बात करो तो पिकॉक हमारा नेशनल बर्ड है. बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बर्ड्स भी हैं लाइक ए पैरट्स, पीजन, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स. बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज भी है इंडिया में जो कि क्रिएट की गई है ताकि बर्ड्स को उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जा सके. दीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स. सो सेवरल स्पीसीज आर देयर इन स्नेक्स ऑल्स की भी डिफरेंट स्पीसीज है. बहुत सारी वैरायटीज है स्पीसीज ऑफ इंडिया. कोबरा और करैत बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जब हम कटिंग करते हैं ट्रीज का, डिफॉरेस्टेशन कैरी आउट करते हैं, तो ये सारे स्पीसीज का अपने नेचुरल हैबिटेट को लूज करते हैं. और जब नेचुरल हैबिटेट को लूज करते हैं तो वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन आ जाते हैं. तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं इन सारी स्पीसीज को सेव करने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट. सो दीज आर द प्रोजेक्ट्स दैट आर बीइंग कैरिड आउट ताकि हम उनकी पोचिंग को रोक सकें. और बहुत सारी चीज़ें जैसे हम फर से बने हुए, बोन से बने हुए इन सारे एनिमल्स की चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो हमें उन्हें यूज़ नहीं करना चाहिए, रेफ्यूज़ करना चाहिए ताकि इनकी पोचिंग कम हो सके.
सके, और हमें अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए लोगों के बीच में ताकि इनके हैबिटेट्स को रोका जा सके और ये सारे एनिमल्स भी प्रॉपरली अपने हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में अच्छे से रह सके और उन्हें कंजर्व किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही, होप आप सब लोगों का क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। इफ़ यू एंजॉय दी वीडियोस प्लीज हिट दी लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।